हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर स्वागत है। आज हम ब्रिक्स का जो बचा हुआ पार्ट टॉपिक रह रहा है वो सारे कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिक्स में बर्निंग तक पढ़ लिया था, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, क्लैंप और किलिन पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्लैंप क्या होता है, तो ये किस लिए होता है, ये दोनों का यूज होता है। ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर भी होता है और ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। टेम्परेरी क्लैंप हो गया, ये छोटे इलाके में छोटे स्केल के लिए, और क्लीन होता है इनके अंदर जो होती है ना बर्निंग होती है ब्रिक्स की। तो हमें बात ध्यान रखनी है, क्लैंप और क्लीन में बर्निंग होती है ब्रिक्स की। तो क्लैंप कुछ ऐसा होता है, मतलब बताता हूँ कि जैसे एक ये लैंड है, लैंड में हम पहले तो एक ट्रेपेजियम शेप में लैंड को हम लेंगे। ट्रेपेजियम शेप में हमने लैंड लिया और उसमें जो है ना हम फिर उसको इस साइड थोड़ा डिक करेंगे और इस साइड से थोड़ा उठा देंगे। मतलब ये हमने एक लैंड लिया, ये मान लीजिए ट्रेपेजियल साइड में है, तो इसको थोड़ा हम ऐसे कर देंगे कि ये थोड़ा उठा देंगे और वहां पर थोड़ा गड्ढा कर देंगे और फिर इसमें लेयर चढ़ाएंगे धीरे धीरे। पहले ब्रिक्स की, फिर वो पहले वो चढ़ाएंगे उसकी, सबसे पहले होगी फ्यूल की, फिर ब्रिक्स की, फिर फ्यूल की, फिर ब्रिक्स की, फिर फ्यूल की, फिर ब्रिक्स की, फिर फ्यूल की, ऐसे हम लेयर चढ़ाएंगे। तो ऐसे रखते हैं इसके ऊपर सारी लेयर ताकि ब्रिक्स अच्छे से बन हो इसके अंदर। तो ब्रिक्स की लेयर और फ्यूल क्या क्या हो सकता है, वुड हो सकती है, ये सब काउडंग ये सब जो होती है, और फिर इसको जो है ना इसके ऊपर रखने के बाद, और इसमें जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल बनेगा जैसे इसको उस साइड से उठाया और इस साइड थोड़ा गड्ढा कर दिया, तो ये एंगल हमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आया भी वो SSC-JE वो हरियाणा JE वाले एग्जाम में 15 डिग्री का होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसमें सारी लेयर होती है और इसके ऊपर मड कवरिंग इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो जो बाहर की लेयर होनी चाहिए वो थोड़ी वो होनी चाहिए, मतलब ये मड कवरिंग किसकी होगी, मतलब फायर क्ले जो होगी ना उसकी होगी, मतलब जो हाई टेम्परेचर होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उसकी होगी, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है मड कवरिंग की। ऐसे हम इसके ऊपर, फिर इसके अंदर ब्रिक्स बर्न होती रहती है ये कुछ वीक तक, 4 से 5 वीक तक या 1 से 2 मंथ तक इसकी बर्निंग होती रहती है। ये छोटे स्केल पे होता है, ये गांव के इलाकों में या फिर जब छोटा कंस्ट्रक्शन या पहले ज्यादा यूज होता था, अभी तो सारी क्लीन से होती है ज्यादातर ब्रिक्स, तो बात में ध्यान रखनी है। क्लैंप इज प्रीफर्ड इन द रूरल एरिया ओवर क्लीन बिकॉज ऑफ हैज लेस इनिशियल कॉस्ट, मतलब कम इनिशियल कॉस्ट, मतलब ये घर की चीजों का मतलब जुगाड़ करके कर सकते हैं, तो कम इनिशियल कॉस्ट है इसलिए ये रूरल एरिया में ज्यादा यूज होती है। हाइट ऑफ क्लैंप जनरली 4 to 6 meters होती है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। एडवांटेज क्या है इसकी, एडवांटेज यही है कि इसमें इकोनॉमिकल होगी क्योंकि अपने घर का चीजों का मतलब सस्ती चीजों का और कम, मतलब उसमें स्किल लेवर भी नहीं चाहिए हमें, पता सिंपल सा है ऐसे करना है ऐसे करना है, तो स्किल लेवर भी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी हो तो मुझसे कर सकते हैं। नॉट लाइबल टू रेन एंड विंड, मतलब इसमें फिर मड से कवर कर देते तो इसमें रेन और उसकी एडवांटेज है कि रेन और विंड से इसको खतरा नहीं है, अंदर बर्निंग चलती रहती है। और डिसएडवांटेज क्या है, ब्रिक आर नॉट आर रेगुलर इन शेप, मतलब ब्रिक्स क्या है उसकी रेगुलर शेप नहीं होगी, ऐसे मतलब दबाव की वजह से, ऐसे जब लाइन में रखी रहेगी तो दबाव की वजह से वो या फिर शेप चेंज हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी स्लो प्रोसेस है, क्लीन बहुत फास्ट प्रोसेस है देखे तो इसके मुकाबले। और क्या है, ओवर ब्रिक नॉट यूनिफॉर्म लोअर लेयर, मतलब जो लोअर लेयर रहेगी वो ओवरबर्नड हो जाएगी, जो सबसे नीचे रहेगी क्योंकि उसको सबसे ज्यादा हीट मिलेगी वो ओवरबर्नड हो जाएगी, और जो ऊपर वाली रहेगी वो अंडरबर्नड हो जाएगी क्योंकि जो ऊपर वाली अपर लेयर रहेगी क्योंकि उसमें कम हीट मिलेगी, सबसे नीचे वाली को सबसे ज्यादा हीट मिलेगी ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। मतलब रेगुलेट नहीं कर सकते फायर को, मतलब कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये भी एक डिसएडवांटेज है इस क्लैंप में। तो और अब आगे देखते हैं हम किलिन को देखते हैं। किलिन क्या है, क्लीन एक बिग ओवन के जैसे है, क्लीन आप देखेगी चिमनी सी जो दिखती है वो उसके नीचे जो पूरा बना रहता है वो क्लीन ही बोलते हैं उसे। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक होते कंटिन्यूस। इंटरमीडिएट मतलब हर काम अलग अलग हो, जैसे पहले होगी लोडिंग होगी, फिर उसके बाद लोडिंग होने के बाद फिर उसमें बर्निंग होगी, बर्निंग के बाद फिर कूलिंग होगी और फिर अनलोडिंग होगी, तो हर काम अलग अलग हो रहा है। पर इसमें जो होता है ना, एक तरफ लोडिंग हो रही होती है, दूसरी साइड दूसरे में बर्निंग हो रही होती है, और वो लोडिंग फिर जब बर्निंग के लिए जाती है ऐसी वहां पर फिर दोबारा लोडिंग हो जाती है ब्रिक्स की, फिर वो कूलिंग के लिए जा रही होती है, फिर वहां लोडिंग हो रही है, वहां बर्निंग, फिर कूलिंग, ऐसे ऐसे इसमें कंटिन्यूस चलता रहता है। दो टाइप की क्लीन होती है, तो इनको आगे अब देखते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो इंटरमीडिएट क्लीन हमने देख लिया कि ब्रिक्स की जो होती है अनलोडिंग ये सारे परफॉर्म जो होते हैं
एक दूसरे के बाद होते हैं और कंटिन्यूस में कंटिन्यूस चलते रहते हैं, सिमल्टेनियसली सारे एक साथ चलते रहते हैं। तो ये हमें समझ आ गया। और इंटरमीडिएट क्लीन जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है, एक अप ड्रॉट क्लीन और एक डाउन ड्रॉट क्लीन। तो ये बात भी हमें देखी। कंटिन्यूस क्लीन तीन टाइप की होती है, बुल ट्रेंच क्लीन और होफर क्लीन, होफरमैन क्लीन और टनल क्लीन। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और अब इनको ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि क्लीन किस टाइप की होती है, कौन सी क्लीन कहाँ है। तो इनसे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें ये कौन सी क्लीन दी हुई है, ये दी हुई है इंटरमीडिएट क्लीन। जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है ना, जैसे ये ब्रिक्स की लेयर लगा देंगे, फिर यहाँ पर फ्यूल के लिए गैप होता है, यहाँ से फ्यूल, और ये दोनों डोर होते हैं, ये दोनों डोर ऐसे होते हैं जो जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ये स्टील के होंगे। या तो यहाँ पर ईटे रख देंगे ब्रिक्स की लेयर, और यहाँ फ्यूल, ब्रिक्स फिर फ्यूल, और ये जो है ना इसके ऊपर फिर जो जो चिमनी सी दिखती है ना हमें क्लीन की, वो ऊपर तक ऐसे बनी रहती है, नीचे काम चल रहा होता है और ऊपर से इसकी जो होती है वो गैस जो होती है, इसमें से फ्यूल की बर्निंग के बाद जो वो निकलेगा, उसकी गैस जो निकलेगी वो ऊपर से निकल जाए। तो अप ड्रॉट क्लीन कौन सी होती है, जिसमें जो गैस जो है ना ऊपर से निकले, मतलब गैस है, अभी देखो ये है क्लीन, एक पूरी क्लीन है और नीचे जैसे ये है, तो इसमें से जब गैस निकलेगी ऊपर से सारी निकल जाएगी। देखा होगा आपने अगर देखा है तो ऊपर से सारी गैस निकल जाती है। पर अप ड्रॉट क्लीन में तो ये होता है, और डाउन ड्रॉट क्लीन में क्या होता है, उसमें जो होती है ना ऊपर से हम इसे बंद कर देते हैं, ऊपर से निकलने नहीं देते, ये नीचे से निकलती है। ऊपर से जब बंद कर देंगे तो इसमें गैस ऊपर जाएगी, फिर हीट प्रोड्यूस होगी, तो गैस ऊपर जाएगी तो सारी गैस अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और ज्यादा एफिशिएंट ब्रिक्स में हीट मिल पाती है, जिसकी वजह से फिर और जो हीट हो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी, और नीचे से उसे फिर हम बाहर जाने देते हैं। तो इसमें ये होता है, डाउन में नीचे से जाने देते हैं, अप में ऊपर से हीट को जाने देते, डाउन में नीचे से। ये बात बस यही है, इसमें डिफरेंस यही है इंटरमीडिएट क्लीन में बस। अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो इन डाउन ड्रॉट क्लीन परमानेंट रूफ इज प्रोवाइड अलोंग विद द सेंट्रल चिमनी दैट परमिट द चिमनी प्रोवाइड करते हैं और बाहर निकलती है। और क्या है, क्वालिटी ऑफ ब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द डाउन, मतलब डाउन वाली से बढ़िया निकलेगी, क्योंकि उसमें जो वो हीट है अच्छे से मिल पा रही है पूरी ब्रिक्स को, क्योंकि उसमें गैस जो है ना अंदर ही, जब ऊपर से बंद कर देते हो गैस दोबारा से नीचे आती है, मतलब वो सारी हीट बाहर नहीं निकल पाती, तो वो फिर बाद में निकलती है, तो सारी हीटों को अच्छे से हीट मिल पाएगी, तो वो ऑब्टेन जो बेटर होगी। तो ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे देखते हैं। तो अब कंटिन्यूस क्लीन का तीन टाइप का देखते हैं, तो एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। बुल ट्रेंच क्लीन जो होती है उसमें अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, मतलब डू नॉट हैव परमानेंट रूफ, मतलब इसके की जो होती है ना ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है और इसकी परमानेंट रूफ नहीं होती, और इसमें जो चिमनी होती है ना मूवेबल होती है, मतलब कंटिन्यूस के लिए हमने देखा कि उसमें सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एक है पूरे, ये जैसे पूरी वो है क्लीन के जो काम चल रहा होता है, यहाँ लोडिंग हो रही है, फिर अनलोडिंग, फिर बर्निंग, फिर ऐसे ऐसे करके सारे प्रोसेस चल रहा होता है ऐसे। तो इसके अंदर जैसे जहां बर्निंग हो रही होगी वहां, तो हम फिर इसकी हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसकी जो चिमनी होती है ना वो क्या होती है, मूवेबल चिमनी, मतलब अभी यहाँ बर्निंग चल रही है तो उस चिमनी को इसके ऊपर रख देंगे, ऐसी होती है, मूवेबल होती है, इसके ऊपर रख देंगे, फिर यहाँ बर्निंग चल रही है तो उसमें से गैस निकल जाएगी, फिर अगर बर्निंग एक और जगह हो रही है तो वहां पर चिमनी को ले जा सकते हैं, वो मूवेबल चिमनी होती है रूफ के ऊपर से, और इसकी जो रूफ होती है ना डू नॉट हैव परमानेंट रूफ, इसकी वजह से इसकी परमानेंट रूफ भी नहीं होती। तो बात हमें ध्यान रखनी है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, अंडरग्राउंड में होता है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज इन, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो बुल ट्रेंच क्लीन यूज होती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। होफमैन क्लीन जो होती है ओवर द ग्राउंड स्ट्रक्चर, ये ग्राउंड के ऊपर होती है, परमानेंट रूफ होती है इसकी, और फिक्स सेंट्रल चिमनी होती है, इसकी चिमनी भी फिक्स होती है, मतलब इसके जैसे मूवेबल नहीं होती। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये फिक्स चिमनी किसकी होती है, मतलब ऑप्शन दे देंगे तो ये इसकी फिक्स चिमनी होती है, और इसकी अगर ऐसे बोलते मूवेबल चिमनी किसकी होती है तो बुल ट्रेंच की होती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। एसएससी में मेंस क्लीन से आया हुआ क्वेश्चन है, टनल फॉर्म, इसमें टनल होती है, मतलब एक टनल सी होती है जिसके अंदर बर्निंग का, मतलब ईटे एक साथ रख देते हैं एक ट्रॉली सी पे, वो ट्रॉली चलती रहती है, उसमें बर्निंग का प्रोसेस होता रहता है, ब्रिक आर प्लेस ऑन द ट्रॉली एंड इज पास थ्रू द डिफरेंट स्टेशनरी जोन इन द टनल, मतलब सारे काम उसमें वो चलते रहते हैं, टनल सी होती है उसके अंदर सारे काम चल रहे होते हैं। तो बस यही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हमें इन किसी बारे में। तो पढ़ते टेस्टिंग ऑन ब्रिक, तो आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहली टेस्टिंग कौन सी है,
कंप्रेसिव टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट बिग के। इसमें मेंस के क्वेश्चन में तो आता है कि तीन टेस्ट को एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन भी आया हुआ है ऐसे ही बोल देते हैं। और इसमें ये हमें आईएस कोड भी पता होना चाहिए कि इसमें आईएस कोड 3495 पार्ट वन इसमें यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा बहुत, आईएस कोड से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो इसमें सबसे पहले तो 5 ब्रिक को सैंपल के लिए लेंगे, 5 ब्रिक हमने सैंपल के लिए ली, फिर प्लेस करेंगे उन्हें पानी के अंदर एक दिन के लिए, पानी के अंदर एक दिन के लिए प्लेस कर दी, और उसके अंदर फिर जो है ना रिमूव देम आउट एंड उसके ऊपर हम फिर मोटर चढ़ाएंगे कि किस रेशियो की, 1:3, एंड फिल द फ्रॉग एंड कवर द ब्रिक डैम्प जूट बैग फॉर 3 डे। मतलब उस पर हम फिर वो चढ़ा देंगे मोटर उसके फ्रॉग पे, और फिर उसको जूट बैग से, जो ये डैम्प होता है, जूट बैग होता है, मतलब बोरी सी होती है जिसका वाटर ऑब्जर्व कर लेती है, उसको फिर हम उससे कवर करके 3 दिन के लिए रख देंगे, गीले उसको गीला करके 3 दिन के लिए रख देंगे, फिर प्लेस द ब्रिक इन द वॉटर अगेन फॉर 24 आवर। उसके बाद 3 दिन बाद फिर हम ब्रिक्स को निकाले, ब्रिक को निकालेंगे और फिर उसे 24 घंटे के लिए पानी में रख देंगे, एंड रिमूव प्लेस इन द टेस्टिंग मशीन 1 by 1। फिर सारी जो पांचों ब्रिक थी, पांचों ब्रिक को टेस्टिंग मशीन में, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, उसके अंदर बारी बारी रखेंगे, तो लोड कैन इंक्रीज ग्रेजुअली, मतलब लोड इंक्रीज जो होगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो ये है, इसमें लोड कैसे इंक्रीज होगा, मतलब 14 न्यूटन पर मिनट, मतलब 14 न्यूटन का वेट हर मिनट पर मिनट बढ़ता जाएगा, मतलब 14 न्यूटन का वेट पहले मिनट के अंदर, फिर अगले मिनट के अंदर 14 न्यूटन बढ़ता जाएगा। तो इसमें हमें बात ये ध्यान रखनी है 14 न्यूटन पर मिनट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो मैक्सिमम लोड ऑफ द फेलियर, मतलब मैक्सिमम लोड कितने लोड पे फेलियर हो गई, और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ब्रिक इन मिलीमीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर स्क्वायर में उसका वो कंप्रेसिव एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया किस में लेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में। तो और जो ये होनी चाहिए ना, लेस देन नहीं होनी चाहिए, कितने से, 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, तो एवरेज, और ये जो होगी किसके हुई, जो पांचों जो हमने टेस्ट लिए, 5 ब्रिक ली थी, पांचों की एवरेज होगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, एवरेज ऑफ 5 स्पेसिमेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट था। आइए अब अगला टेस्ट देखते हैं, अगला टेस्ट कौन सा है, वॉटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट। इसमें भी आईएस कोड कौन सा यूज, IS 3495 पर part 2। ये बात हमें ध्यान रखनी है, पार्ट से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, पार्ट वन मतलब सेम आईएस कोड दे देंगे, वॉटर अब्सॉर्प्शन पूछेगा कौन सा पार्ट है, इससे भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो हम ईट को लेते हैं, इसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं, आईएस जो कोड रिकमेंडेड करता है ना वो सिर्फ ये 24 आवर वॉटर वाला, आईएस कोड ने ये वाला नहीं किया, 5 आवर बॉइलिंग वाला जो टेस्ट होता है वो रिकमेंडेड नहीं किया हुआ है, वो किसने किया हुआ, CPWD ने, मतलब उसमें जो होती है ना 5 आवर, अभी बताता हूं मैं। इसमें क्या होता है, पहले हम ईट को लेंगे, उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो डुबो देंगे, मतलब उसको फिर हम निकालेंगे, फिर जो हम पहले ईट ली थी उसका पहले वेट कर लेते हैं, वेट ऑफ द ड्राई ब्रिक, पहले हमने ईट ली उसका वेट किया, एक वेट आ गया W1, फिर उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगोया कोल्ड वाटर में, 27 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, तो कोल्ड वाटर ही हो गया इसमें नॉर्मल टेम्परेचर में। और फिर क्या लेंगे, फिर उस जब हमने पानी में भिगोया 24 घंटे बाद, तो उसमें कुछ वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका वेट थोड़ा चेंज हो गया, तो W2 वेट हो गया, तो W2 वेट में से W1 का वेट माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राइविक इंटू 100, तो ये निकल आती है उसकी वाटर अब्जॉर्ब, मतलब उसने कितना वाटर अब्जॉर्ब किया। तो ये और गुड ब्रिक मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना होना चाहिए, less than 20%, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और क्या है, वॉटर अब्जॉर्प्शन सेल नोट बी मोर देन 20% बाय वेट अप टू क्लास 12.5, मतलब डिफरेंट क्लास होती है, हमने पहले पढ़ा था उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, मतलब 7 क्लास की ब्रिक, 12.5 क्लास की ब्रिक और 3.5 क्लास की ब्रिक, ये हमने उसमें लाइन में पढ़ा था ना, तो 12.5 तक होती है ना, तो उसमें 20% तक बाय वेट, मतलब 12.5 उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, मतलब 12.5 क्लास है उसकी, जो ब्रिक की क्लास है 12.5 तक, मतलब 3.5 से 12.5 क्लास तक ब्रिक की जो होगी 20% से उसका जो वाटर अब्जॉर्प्शन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो होती है उसके बाद जो होती है 12.5 के बाद उसमें क्या होना चाहिए, वाटर अब्जॉर्प्शन 15% बाय वेट ऑफ द हायर क्लास, मतलब हायर क्लास 12.5 से ज्यादा की क्लास की जितनी भी होगी, 15 क्लास
20 क्लास जो बची हुई 30 क्लास तक और जितनी भी सारी ब्रिक है उनमें 50% बाय वेट ऑफ द हायर क्लास, 15% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, और उसके बाद और जो बहुत ज्यादा हाई होती है उसमें 10% के पास पहुंच जाता है, 10% से ज्यादा। तो जो IS कोड में दिया हुआ सिर्फ ये दो दिया, और ये आया भी हुआ है DDAJEE में और कोल इंडिया 2016 में और 2018 में, इन दोनों के पेपर में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइए आगे देखते हैं। तो 5 आवर बॉइलिंग वो टेस्ट, उसमें क्या होता है, ये CPW ने बताया हुआ है कि इसमें जो परसेंटेज ऑफ मतलब इसमें क्या लेते हैं, फिर 5 घंटों तक ईट को बॉईल करते हैं गर्म पानी में, तो वो क्या होता है W3 वेट आ गया। W1 वेट कौन सा था, ड्राई वेट ब्रिक का, उसको 5 घंटे तक हमने बॉईल किया तो उसका वेट क्या हो जाएगा, पानी के पानी थोड़ा अब्जॉर्ब तो करेगा ही, तो वो हो गया W3 वेट। तो W3 माइनस W1 बाय W1 जो उसका वेट ड्राई था इनटू 100, तो इससे निकल आती है हमारी क्या, 5 आवर बॉइलिंग टेस्ट से इसकी जो वैल्यू निकल आती है W3 5 आवर बॉइलिंग वाटर ब्रिक, इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल गई 5 आवर की बॉइलिंग टेस्ट की, परसेंटेज ऑफ अब्जॉर्प्शन कितना पानी उसने अब्जॉर्ब किया, और ये सैचुरेशन कोफिशिएंट वाटर अब्जॉर्ब बाय 24 आवर, उससे जो निकल के आई वैल्यू उस सेम ब्रिक की और इससे जो वैल्यू निकल के आई, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन कोफिशिएंट। बस ये ही है, आगे देखते हैं। अब अगला टेस्ट कौन सा, अगला टेस्ट है इफोरेंस टेस्ट, ये IS 3495 part 3 में है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक लेते ग्लास डिस्क होती है, ये कई सर्कुलर भी होती है नहीं, जो नॉर्मली जो होती है एक तो ये होती है, इसमें ग्लास डिस्क होती है मतलब ऐसी होगी, इसकी ये विड्थ होगी 180 मिलीमीटर और एक होगी वन स्क्वायर में होगी 180 मिलीमीटर और थोड़ी डेप्थ होगी कितनी 40 मिलीमीटर इसकी डेप्थ होगी। उसके अंदर जो है ना पानी भरा जाता है कितने तक, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, 25 मिलीमीटर तक उसमें पानी फिल कर दिया जाता है, उसके अंदर पानी फिल कर दिया गया, उसके बाद फिर उसमें ईट को रखा जाता है, मतलब ईट को फिर उसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है, मतलब जैसे ये है ये ऐसे, जैसे यहां पर ये है उसके अंदर पानी हमने फिल कर दिया, फिर उसको ईट को ऐसे रख दिया जाता है उसके अंदर ऐसे स्टैंड करके, तो फिर ब्रिक इस इमर्स इन द डिस्क, मतलब उसको पानी में रख दिया, फिर उसको अब्जॉर्ब करने देते हैं, उसमें पानी को अब्जॉर्ब करने लगेगी, और जब तक वो कंप्लीट अब्जॉर्ब ना कर ले और जो बचा हुआ पानी है वो एवेपोरेट ना हो जाए तब तक वो वैसी रखी रहेगी। व्हेन वाटर एवेपोरेटेड ब्रिक इज टेकन आउट एन एरिया ऑफ व्हाइट एंड, जो व्हाइट और ग्रे जो उस पर थोड़े थोड़े दिखने लगेगे, थोड़ा थोड़ा उसमें कलर सा चेंज होने लगेगा, तो वो कैलकुलेट किया जाता है, फिर कैलकुलेट किया जाता है, मतलब अगर उसमें 9 पैचेस है मतलब तो उसमें जो इफोरेंस है वो बिल्कुल नहीं है, स्लाइट मतलब व्हाइट पैचेस कवर लेस देन 10%, मतलब अगर उसमें वो व्हाइट पैचेस वो है वो अगर 10% है तो उसमें स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ी इफोरेंस है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। 10-15% मॉडरेट है, और ये IAS में ESE में क्वेश्चन आया हुआ है, IAS के जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया है कि मॉडरेट जो होती है उसकी कितनी वैल्यू होगी, अगर मॉडरेट एफिशिएंसी किसी ब्रिक में इस टेस्ट के बाद तो उसमें कितने परसेंट के पास होगी, तो ऑप्शन दिए हुए थे अलग अलग, तो 10-50% के पास होगी, हैवी है तो 50% से ज्यादा, और सीरियस मतलब पूरा मतलब व्हाइट स्पॉन्जी पाउडर मतलब उससे ब्रिक को छोड़े तो व्हाइट स्पॉन्जी पाउडर सा ही निकल रहा है उससे, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। तो आइए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला टेस्ट कौन सा, अगला टेस्ट है वारपेज टेस्ट, इसमें कौन सा IAS कोड यूज़ है, IAS कोड 3495 part 4, मतलब part 3 तक हमने देख लिया, अब part 4 इसमें यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये ब्रिक है जैसे ये मान लिया हमने ब्रिक है, उसके ऊपर जो होता है ना हमने स्केल रखते हैं, ये स्केल को ऐसे प्लेस करेंगे और उसमें जो चेक करेंगे कि इसमें अगर ऐसे चेक करेंगे, अगर ये थोड़ा कॉनकेव बना रहा है मतलब कॉनकेव सा बना रहा है, मतलब ब्रिक ये है स्केल जो दिख रहा है कॉनकेव सा बन रहा है, मतलब ब्रिक थोड़ी ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई है, और उसके ऊपर जब स्केल दिख रहे तो उसके अंदर जो है ना वारपेज चेक करते ये, तो कॉनकेव बना रहे तो कॉनकेव वारपेज बोलते हैं, और कॉनवेक्स बना रहे मतलब ब्रिक से ऐसे मुड़ी हुई है ऐसे चेक कर रहे हैं तो कॉनवेक्स वारपेज हो जाता है। तो बस ये इसको चेक करने के लिए करते हैं, ब्रिक सही अपनी यूनिफॉर्म शेप में है कि नहीं है, तो इसके लिए होता है ये, बस IAS कोड याद रखना, इसमें कितनी 10 ब्रिक सैंपल के लिए ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है, द ब्रिक शुड प्रोड्यूस क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड विदाउट एनी ब्रेकिंग व्हेन स्ट्रक विद ईच अदर, तो ये बस मतलब मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए, जब दो ब्रिक को हम एक साथ ऐसे मारे टन दे तो उसमें मेटेलिक सी साउंड आनी चाहिए,
तो स्ट्रक्चरल टेस्ट में क्या होता है, द ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म होमोजीनियस स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल द सेक्शन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी वॉइड्स, मतलब वॉइड्स नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल टेस्ट में क्या था, उसमें वॉइड्स नहीं होनी चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब अच्छे से ब्रिक दिखनी चाहिए। टफनेस टेस्ट क्या होता है, टफनेस टेस्ट होता है द ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इन टू पीस वैन ड्रॉप ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से अगर हाइट से गिर जाती है ब्रिक तो उसमें वो उस करीब उसमें टूटनी नहीं चाहिए, मतलब ड्रॉप करने के बाद उसमें लेवल तो पीसों में टुकड़े नहीं होने चाहिए उसके, तो उसका टफनेस हम टेस्ट में हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी टफनेस सही है कि नहीं है। तो एब्रेशन या फिर हार्डनेस टेस्ट, द ब्रिक शुड पोस्ट सफिशियंट हार्डनेस एंड डज नॉट शो एनी साइन ऑफ इम्प्रेशन, मतलब हम अभी नेल से उस पर स्क्रैच करें तो उसमें स्क्रैच अगर पड़ गए ना तो उसकी जो एब्रेशन है या हार्डनेस है उसकी कम है। अगर उसके स्क्रैच ना पड़े, हमने नेल से जैसे ब्रिक है उसको नेल से हमने स्क्रैच किया तो उसमें अगर स्क्रैच नहीं पड़ रहा है तो उसकी एब्रेशन और हार्डनेस बहुत अच्छी है, बढ़िया ब्रिक है। शेप एंड साइज टेस्ट, मतलब शेप एंड साइज टेस्ट मतलब ये अलग अलग शेप है उसको हम स्केल से देख सकते हैं या फिर इस सारी शेप साइज में किस जो ब्रिक हम यूज कर रहे हैं वो सारी एक ही साइज में है नहीं है तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कोई जैसे एक ऐसा नहीं बना सकते हम, वॉल को बहुत डिफिकल्टी होगी कि एक स्टैंडर्ड की ले रहे हैं ट्रेडिशनल ब्रिक की भी ले रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगी। सारे शेप एंड साइज बिल्कुल इसी में होने चाहिए सही ब्रिक अच्छी मैसनरी वॉल बनाने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायमेंशन टेस्ट, इसमें तो आईएस कोड यूज होता है ना, इसी से क्वेश्चन बन जाता है आईएस कोड कौन सा यूज होता है, आईएस कोड 1077 जो इसमें यूज होता है। और ये होता क्या है, ये इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन कितनी बार कितने एग्जामों में आ चुका है, SSC-JE में भी आया 2005 में, मतलब डायमेंशन टेस्ट के लिए कितनी ब्रिक ली जाती है, तो इसके 20 ब्रिक ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने एग्जाम UP SSC SSC-JE इसमें भी आ चुका है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्रिक है ना तो इसमें 3 टाइप की मेजरमेंट होती है, 20 ब्रिक ली हमने, एक ब्रिक रखी, एक और फिर इसके आगे ब्रिक रखी, एक ब्रिक और रखी, एक ब्रिक ऐसे रखी। तो पहले एक इसकी लेंथ की करनी है तो हम लेंथ की ऐसे चेक कर लेंगे, ब्रिक की लेंथ है तो पूरे जब है ना कितनी ब्रिक ली हमने, 20 ब्रिक ली, तो 20 ब्रिक की कितनी लेंथ हो जाएगी, 20 × 9। ओ गलती हो गई यहां पर, 20 × 19 होगा ये, इसमें गलती हो गई थी सॉरी, 20 × 19। तो इसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं 20 × 19 तो क्या आएगी, 380। और इसमें जो है एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मतलब इसमें प्लस माइनस कितना होना चाहिए, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इससे अगर ज्यादा है ना तो ब्रिक की जो है बहुत बेकार क्वालिटी है। तो प्लस माइनस मतलब उसमें जब ऐसे लेंथ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो गैप आ सकता है उसमें, थोड़ा थोड़ा तो गैप करके, तो वह तो इतना कम होना चाहिए 80 मिलीमीटर तक कम होना चाहिए, 80 मिलीमीटर ज्यादा होना चाहिए 20 ब्रिक्स के जब ऐसे लेंथ में हम कैलकुलेट करें। और इसमें फिर आ जाएगी विड्थ से कैलकुलेट करें, ऐसे ईटों को रख दे लाइन में और फिर क्या गई हाइट से कैलकुलेट करें तो इसमें आना चाहिए प्लस माइनस 40 तक डिफरेंस आना चाहिए। उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 9 होता है उनका ये, तो उनको 180 सेंटीमीटर आ गया, उसमें प्लस माइनस मतलब कम ज्यादा हो सकता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए डायमेंशन टेस्ट ऐसे होता है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में जो और हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में स्पेशल टाइप ब्रिक पढ़ेंगे, हार्मफुल इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे जो ब्रिक्स के अंदर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिफेक्ट ऑफ ब्रिक वो भी पढ़ेंगे, उसे आज को बहुत कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं SSC-JE में डिफेक्ट ऑफ ब्रिक से। तो और उसके फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इस थ्योरी में कवर नहीं हो पा रहे, कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा देते हैं या फिर इसमें कवर नहीं हो पाया है, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद मेंस के क्वेश्चन करेंगे और ब्रिक मैसनरी भी हम स्टार्ट करेंगे, ब्रिक मैसनरी को भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।